सत श्री अकाल सभी नु गाइस, सिद्धू मूसे वाले का नया गाना आ चुका है मलवा बिलोक। भाई सिद्धू सीजन का आप लोग भाई बहुत मजे ले लोगे। और भाई एल्बम अपनी है भाई मूसे टेप, तो भाई दिन पे दिन इसकी हाइप बढ़ती जा रही है। और आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, ये वाली एल्बम बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है, तो ध्यान से सुनना और मजे करना। भाई मलवा ब्लॉग गाने का नाम है, मुझे पर्सनली इसका मतलब नहीं समझ आया कि भाई मतलब क्या गाने के अंदर होगा क्या इसके अंदर, बिकॉज मुझे पंजाबी इतनी अच्छी आंदी नहीं है। तो आपको पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई इसका मतलब ये है और ये सोच के भाई ने रखा है। और भाई एल्बम की जो जितने भी गाने आपस में दूसरे लिंक है, तो धीरे धीरे चलती है रिएक्शन की ओर। म्यूजिक तो सही दिया है, म्यूजिक तो अच्छा है। गाड़ियों में भाई साहब लाल लाल जीप भी है अपनी। ये क्या है, गिरगिट क्या है? ये लिजर्ड होती बड़ी वाली, वो है ना। मैं बोल रहा हूँ फैन बट फैन बदी है। म्यूजिक ये पता क्या, थोड़ा ना भाई अगर स्टोरी बनाए ना इन गानों की, तो और मजा आएगा और डबल आग लगेगी, मेरा ये मानना है। तो पीछे बंदे खड़े हो जाते हैं ना, नहीं गाना को ठीक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्की स्टोरी होनी चाहिए। पैसे उड़ रहे हैं, कुत्ता आ रहा है पीछे, पाजी खड़े अपने तो सही है भाई। सिंगर कंपोजर लिरिक्स तीनों भाई सिद्धू मूसेवाले ने करे हैं। मुलाकात करी तो दिल लगदा, फैन बढ़ गए। लड़के भी सही है वैसे। धुएं वाली गन है, फैन बड़ी है। सिद्धि जो करता था राइड बड़ी है, आइसम थी यही है। इंडस्ट्री ठोक करवा होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है भैया आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, पाजी का सबसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब तुम रोज सुनते हो दवाई की तरह। खुली दे जवान पूरा फाड़ के नाका, हो गई फाइटिंग। भाई मुझे लगता है सिद्धू मूसेवाला पाजी ना भाई बिना टीम वर्क के काम नहीं कर पाते भाई, टीम वर्क बहुत लगती है इसको, सच बता रहा हूँ मैं। टीम वर्क की वजह से पाजी आज इतना मुकाम पा पा रहे, इतनी बड़ी एल्बम यार समझते हो भाई, 2 महीना कंटिन्यूस एल्बम निकालना अपनी बैक टू बैक, जिसमें ऑडियोज में वीडियोज में भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी होती है, मतलब इस एल्बम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी होगी पाजी की बहुत ज़्यादा। और टीम वर्क ने पूरा अपने उनकी टीम ने पूरा इनका सपोर्ट किया है, तभी हम लोग इनका मजे ले पा रहे हैं, इनको सपोर्ट कर पा रहे हैं भाई। अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता कसम से कह रहा हूं बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता। लेकिन सिद्धू पाजी को अपने फुल सपोर्ट किया, फुल मजे दिला दिए, मतलब मेरे पास एक सजेशन है कि पाजी थोड़े स्टोरी बनाने चाहिए। हार्ड गाने बहुत लिख रहे हैं, बहुत हार्ड गाने, कोई हार्ड गाने में कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड बहुत ज़्यादा गाने हैं, लेकिन स्टोरी से ना कनेक्टिविटीज लगती है, समझ रहे बात में क्या कह रहे हैं। अस गाना हो गया,
मतलब कनेक्टिविटी थी कस गाना भाई, सच बता रहा हूँ नंबर वन जा रहा है, मैं नंबर वन तक पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा वही सुना जा रहा है, इंट्रो था एक सुना गया था, ये भी सुना जा रहा है। काफी ज्यादा हार्ड गाना लगा मुझे मलवा बिल्लोक। तो गाइस इसके अंदर अपने जो म्यूजिक दिया है वो दा किड ने कतई नहीं दिया, इसके अंदर म्यूजिक दिया भाई वजीर पत्थर ने। तो भाई इस बार आपको अलग लुक मतलब अलग फील होने को मिला होगा कि भाई म्यूजिक थोड़ा अलग डिफरेंट लगा होगा, बिकॉज भाई दा किड का म्यूजिक आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। तो भाई वजीर पत्थर का म्यूजिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, मेरे रिएक्शन मुझे कैसा लगा तो वो भी भाई कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा। और ये जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है, तो भाई कैच कर लो भाई को, भाई सब्सक्राइब कर लो, घंटा आइकन दबा दो। और भाई सिद्धू पाजी की भाई लुक्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे, उनके कड़े वड़े जो पहनते हैं बहुत ही ज़्यादा भाई खतरनाक होते हैं, मतलब देखने मन करता है हम भी खरीद लेते हैं यार, मस्त लग रहे हैं। तो गाइज आप लोग क्या चाहते हैं भाई, जितनी भी वीडियोस थी भाई की बोहिमिया के साथ आई थी, ठीक है, और भाई राजा कुमारी के साथ आई है, डिवाइन के साथ आई है, और भाई एक और था कौन था वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कि भाई सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई सिद्धू पाजी ने फुल भाई आग लगा रखी है भाई एल्बम के थ्रू। तो भाई मजा आ रहा है भाई, इसको शेयर करो। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब मोर वीडियोस।